दोस्तों, अगर यूपीएससी में किसी को सिलेक्शन लेना है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। पहले आप लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस क्लियर करना पड़ेगा और फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट में आप लोगों का नाम आएगा। पर लेकिन जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कहानी है मेन्स और इंटरव्यू के बीच की। यानी कि आप लोग जो है वो मेन्स क्लियर कर चुके हैं, पर लेकिन फिर भी आप लोगों की कुछ मनचाही सर्विसेज ऐसी हैं जो आप लोग नहीं भर पाएंगे, तो उसी के चलते यहाँ पर ये पूरा इशू अभी देखने को मिला। तो किस पर्टिकुलर ये बेसिकली कैंडिडेट के लिए बातें करूंगा, तो क्यों आखिर ऐसा इशू देखने को मिलता था, सारी तमाम बातें मैं आप लोगों से यहां से करूंगा। तो पूरी वीडियो जो है वो एंड तक देखेगा, आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएंगी। कई सारे बच्चे जो फिजिकली डिसेबल रहते हैं वो यहां पर कई बार मेल भी करते हैं कि सर प्लीज ये बताइए कि क्या ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली डिसेबल हैं वो भी आईपीएस बन सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारे बच्चों की इच्छा होती है कि यार आईपीएस की जो बड़ी पसंद आती है वो नहीं, जो थोड़ा सा जो वर्दी को पसंद करते हैं, तो उनको ऐसा जैसे कि ऐसा लगता है कि बस यहाँ यही वर्दी पहननी है। पर लेकिन उनकी जो जो बॉडी है वो डिसेबल है, वो उनके हाथ में तो थी नहीं, वो नेचुरली होगी, पर फिर भी यहाँ पर उनको जो है कुछ ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं कि पूरा प्रीलिम्स का प्रोसीजर क्लियर करने के बाद में, मीन्स का प्रोसीजर क्लियर करने के बाद में भी उनको यहाँ पर ये सर्विस अलाउ नहीं की जा रही थी। अभी यहां पर उसी के चलते ये कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट का डिसीजन आया यहां पर कि इनको उस सर्विस के लिए अलाउ करना चाहिए। तो पूरा मैं मुद्दा आप लोगों को समझाता हूं, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब यहां पर ये कि तीन ऐसी सर्विस हैं नॉर्मली जिनका नाम आप लोगों को बताना चाहिए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसी के साथ में इंडियन पुलिस सर्विस, इसी के साथ में दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये पुलिस सर्विस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में डेनिप्स बोलते हैं। तो नॉर्मली जो पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई फिजिकली डिसेबल है, उसने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, उसने अपना मेंस भी क्लियर कर लिया, उसके बाद में सर्विस का प्रेफरेंस देना होता है। सर्विस का प्रेफरेंस मतलब कि आप लोगों को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो वाला प्रेफरेंस देना पड़ता है। पर लेकिन दिक्कत क्या है यहां पर, ये जो इस तरीके के बच्चे हैं इनको यहां पर वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है उसमें आईपीएस वाला कि वो यहां पर आईपीएस भर सके। यानी कि मतलब क्या यहां पर, मतलब यहां पर ये कि आईएएस आईपीएस और आईएफएस कैडर में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कोई अगर बॉडी में कोई दिक्कत है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर ये आईपीएस वाला ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये यहां पर दिल्ली पुलिस या फिर जो रेलवे प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन यहां पर मिल ही नहीं रहा है। तो यानी कि आईपीएस जो है वो कंप्लीटली यहां पर रिमूव कर दिया गया, जबकि इनके द्वारा पूरा कंप्लीट प्रोसीजर भी फॉलो कर लिया गया, पर लेकिन इनको अलाउ नहीं किया गया। तो इसी के चलते जब यहां पर ये कोर्ट में पहुंचे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, मतलब 18 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था, उसके हिसाब से यहां पर बोला गया कि यहां पर फिजिकली डिसेबिलिटी होने की वजह से यहां पर इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है इन सर्विसेज में, जो कि यहां पर आईपीएस डेनिप्स और यहां पर आईआरपीएफएस। तो इसी के चलते यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसने साफ साफ बोल दिया कि आर्टिकल 14 में जब आप लोग जाएंगे ना, तो वो यहां पर इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप लोग यहां पर लोगों के साथ में नहीं कर सकते। तो उसी के चलते यहां पर बोला गया क्या है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 खुद बोलते हैं यहां पर कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो यानी कि हर एक पर्सन को आप लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर देना है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका हवाला देते हुए यहां पर कोर्ट ने ये बोला है कि आप लोग जब यहां पर एक फॉर्म निकाल कर लेकर आ रहे हैं और पूरा प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर इनको क्यों यहां पर इन सर्विसेज में अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर इनको भी सर्विसेज में अलाउ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है सबको ग्राउंड में लड़ने ही जाना है, ऑफिशियल पोस्ट भी होती है, तो उन पोस्ट पे आप लोग यहां पर इनको रख सकते हैं। तो मतलब कहने का ये कि यहां पर अलाउ करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बातें बोली है। एक और आर्टिकल नॉर्मली आप लोग को जब भी यहां पर इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसको भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं अगर एग्जाम की तैयारी करें, आर्टिकल 16 है बेसिकली। यहां पर आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि आप लोग किसी को भी यहां पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हर एक सिटीजन को मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अगर निकल कर आ रही है, आप लोग उनको ये नहीं बोल सकते तू उस रिलीजन का है या फिर उस कास्ट का है या फिर सेक्स में मेल फीमेल है, तुम्हारा जन्म वहां पर हुआ है, तो यहां पर इस तरीके की चीजों को वो बेसिकली डिनाई नहीं कर सकते। तो यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप लोग यहां पर एक तरीके से डिनाई कर दे रहे कि वो यहां पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को नहीं भर सकते। तो उसके चलते यहां पर ये पूरा मुद्दा सामने निकल कर आया कि ये सही तरीका यहां पर नहीं है, जबकि उन्होंने पूरा एग्जाम अच्छे से दिया और उसको क्लियर भी किया है। तो इसी के चलते जो यहां पर जस्टिस एम खानवेलकर और इसी के साथ में जस्टिस अभय एस ओका, इनके द्वारा यहां पर इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है और डायरेक्टर किया गया है बेसिकली डायरेक्टेड किया गया यहां पर जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूपीएससी है उनको कि यहां पर एप्लीकेशन बेसिकली रजिस्टर किया जाए जो फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं यहां पर उनके लिए, ताकि वो भी अपना प्रोसीजर जो है वो उसको कंप्लीट कर सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहां पर वो थे अटोर्नी जनरल जो कि के वेणुगोपाल है और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ठीक है, तो यहां पर अभी देखते हैं कि किस तरीके चीजों को आगे लिया जाता है। कोर्ट ने अपनी अपनी तरफ से यहां पर पूरा एक तरीके से बोल दिया गया,
अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये अपना रिप्लाई इसके ऊपर देंगे कि आखिर क्यों इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से अब इनको 2 वीक का टाइम बेसिकली, देखते हैं यहां पर क्या रिप्लाई निकल कर आता है। पर फिलहाल यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कोई भी फौज है, पुलिस है, उनके अंदर में नॉर्मली देखा होगा फिजिकली डिसेबल पर्सन को अलाउ नहीं करते हैं। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से हामी भर दी है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो ये पूरा मुद्दा था, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई डाउट है तो बताना जरूर, फिर आगे की वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। बाकी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और टेलीग्राम पर कनेक्ट रहिए कोई भी दिक्कत होती है। सुबह जब मैंने हिंदू की वीडियो अपलोड की थी तो कई सारे बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी, पर लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसको चला रहे हो तो वहां पर आवाज आ जा रही है। मतलब मैक्सिमम को तो आवाज आ रही है, पर लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं आ रही थी आवाज, मुझे नहीं पता क्या इशू था। मतलब मेरे को प्रॉपर आवाज आ रही है, मैं अपने फोन से चला रहा हूँ, पर लेकिन कोई ऐसे ही थे, कोई कम नहीं थे, कम से कम 80-90 से भी ज्यादा कमेंट ऐसे थे कि सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर चलाओगे तो आप लोगों को आवाज आ जाएगी यहाँ पर, और इसी के साथ में थोड़ा रिफ्रेश करके देखो क्या दिक्कत आ रही है। कोई मतलब जो भी इशू है आप लोग उसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, प्रॉपर उसके अंदर वॉइस है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के सामने है यहाँ पर ही। ठीक है, पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन के लिए अपना यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ यार, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।